मेजबान सुल्तान वसीम गफार या हुसैन मौला हुसैन यूट्यूब चैनल पर आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। आज हम जिस आस्तारे पर मौजूद हैं, ये हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के लिप्पानी से करीब हुक्केरी तहसील में जो आबाद एक हरगापुर और वैभवगढ़ के बीच में एक पहाड़ है। इस पहाड़ पर आबाद आस्ताना हजरत बाबा फखरुद्दीन शाह हजरत जमालुद्दीन शाह बाबा का आस्ताना, एक कदीम दो बुजुर्गाने हस्ती जिनकी तवारीख ही हिंदुस्तान में हिजरत करने की 500-600 सालों से भी ज़्यादा है, ये आस्थान यहाँ पर मौजूद है। इनका जो मेन रोज़ा है, पहला संदल जो होता है हनोली में गांव में आपका आस्थान है, वहाँ पर मेन संदल होता है, पहला संदल होता है, बाद में यहाँ का उरुस होता है। इस पहाड़ों के आबाद में यहाँ पर हजरत सरकार इबादत को बैठा करते थे और यहाँ पर वजू का पानी लेकर यहाँ पर आप जो है अल्लाह की इबादत में लो लगाते और जायरीन यहाँ पर भी आते हैं आपके दरबार में आकर मुसीबतें परेशानी बलाएं वबाएं दुख रंजू गम बलाल जादू टोना आसिर से यहाँ से भी फैज पाते हैं, मरीज यहाँ से शिफायाब होता है। आप भी इस दरबार में आइए, फैज पाइए, हमने ज्यारत करके फैज पाई है और ऐसे बारगाहों में कलंदरों के बारगाहों में अल्लाह तबारक व तआला हर एक के मुरादों को मन्नतों को हाजतों को मकासदों को पूरा करता है। हजरत बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो असल मजार मुबारक है आंध्र प्रदेश पेनकोंडा में हजरत बाबा फखरुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का रोजा है और बाबा जमालुद्दीन जो कहा जाता है ये असल में कोल्हापुर में जो आबाद रोजा है हजरत शाह जमाल मुजर्रिद कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें बाबू जमाल अल मारूफ के नाम से भी जाना जाता है, उनका आस्ताना होने की कई लोग दलील और रिवायतें देते हैं, बस बिलहत्ता इसमें सच्चाई क्या है अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मालूम है कि ये दो हस्तियां एक ही बुजुर्ग हैं या अलग अलग हैं, मगर आप अल्लाह के ये वली हैं तो हम इनके बारगाह में अकीदत और मन से दुरूद शरीफ पेश करते हैं।